एवरीबॉडी फ्रेंड, आज हम लोग टेंस के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था तब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल नंबर। पहला ही सेंटेंस हमारा चल रहा था क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या चल रहा था हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था। फ्रेंड, टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है जिसको हम लोग 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। हमारे देखिए इंटर की भी सिलेबस में टेंस है, हाई स्कूल में भी टेंस है, 9th में भी टेंस है, 8th में भी टेंस है। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे हो सकता है आपको आसान से आसान लैंग्वेज में बताया जाएगा, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए आप हमारे चैनल को देखिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। अगर जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट के थ्रू पूछेगा, उसको फिर से वो चैप्टर को बताया जाएगा। फ्रेंड, हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होगा। क्या पढ़ चुके हैं, जब सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर नंबर होगा। सिंगुलर नंबर का मतलब क्या होता है, सिंगुलर नंबर का मतलब हमारा हो गया ही, शी, इट, और हमारे क्या हो गए, नेम हो गए, और हमारा हो गया दिस, और क्या हो गए हमारे, दैट। ये हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। ये हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर नंबर के लिए हम लोग पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं क्या, सब्जेक्ट फार्मूला प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये हमारे पहले के वीडियो में सब बताया गया है। आप हमारे एक एक वीडियो को बारी बारी करके आप देख सकते हैं। यहाँ से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमने ये फार्मूला लगाया फ्रेंड। अब हम लोग पढ़ेंगे जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। प्लूरल नंबर जब हमारा सब्जेक्ट होगा क्या होगा, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, बहुवचन कर्ता। जब सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर हो, प्लूरल नंबर हो। आप देखिए प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, कौन कौन आता है, आई, और हमारे यू, और हमारे क्या होते हैं, दे, और हमारे क्या होते हैं, ग्रुप, और क्या होते हैं हमारे, वी, और हमारे होते हैं दीज, और हमारे होते हैं दोज। ठीक, ये हमारे होते हैं क्या, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ग्रुप का मतलब होता है हमारा समूह, जैसे बच्चे, बच्चे हमारा क्या हो जाएगा, समूह। अब हम लोग प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ठीक, ये हमारा फार्मूला लगेगा कब, जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। जैसे वे खेलते हैं, वे खेलते हैं, ठीक है, वे खेलते हैं। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे है ना, सब्जेक्ट हमको लगाना है तो वे कहेंगे जी, दे। आप क्या लगाना, वर्ब लगाना है, जिसके लास्ट में ना आते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, मतलब सब्जेक्ट जो काम करता है। जैसे देखिए वे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। वे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं, खेलने के लिए प्ले। ठीक, क्या हो गया, दे। अब देखिए जैसे बच्चे नदी में नहा रहे, बच्चे नदी में नहाते हैं, बच्चे नदी में नहाते हैं। देखिए बच्चे, जैसे मतलब ग्रुप है ये, तो हम लोग द लगा देंगे, द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया। बच्चे क्या कर रहे हैं, नहाने का काम कर, वर्ब लगा रहा नहाने का बाद। ठीक, आप देखिए इसका इंग्लिश लिख दिया, इसका इंग्लिश लिख दिया, अब जो बचे वो हम इसका इंग्लिश लिख देंगे, मैं का इंग्लिश, इन, नदी का, रिवर। ठीक,
फर्स्ट एंड एग्जांपल सेकंड। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होगा तब हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब। इतना हो गया सबका। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जिसको लिखना हो लिख ले, स्क्रीनशॉट जिसको लेना हो ले ले। अब हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, टेंस क्या होते हैं, टेंस के भाग कितने होते हैं, ठीक है। फिर हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर था तब हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल नंबर है, तब हम लोग इस फॉर्मूले को लगा के बनाते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा रूल क्या हो जाएगा, देखिए निगेटिव सेंटेंस हेडिंग डालिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएंगे हमारे, फार्मूला सब्जेक्ट। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है ना, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य ना हो, जिसमें, या फिर आसान लैंग्वेज में सीख सकते हैं, जिसमें नहीं शब्द आ जाए, नकारात्मक वाक्य जिसमें काम हमारा ना हो, जैसे वह स्कूल जाता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस वह होते हैं जिसमें कार्य का होना पाया जाता है, निगेटिव सेंटेंस जिसमें कार्य का होना नहीं पाया, जैसे वह बोलता है ना कार्य हो रहा है, वह नहीं बोलता है कार्य नहीं हो रहा है, मीन्स नहीं शब्द जिस सेंटेंस में आ जाएंगे वो हमारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव सेंटेंस। रूल क्या हो जाएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक, हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडिफिनिट में, जो हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारा इसका क्या होता है, डू एंड डज होता है, क्या होता है, डू एंड डज, ठीक। अब देखना हमको कि डज किसके साथ होता है और डू किसके साथ, तो पहले हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं, डू एंड डज, अब क्या लगाएंगे हम लोग, नॉट, फिर क्या लगेगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब, ठीक। ये हमारा क्या लगेगा, फार्मूला, कब, जब हमारा सेंटेंस किसमें होगा, निगेटिव में, जैसे वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, वह गाना नहीं गाती है, इसमें नहीं शब्द आ गया ना, जब नहीं शब्द आ गया तो कैसा सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, कैसे हो गया, निगेटिव सेंटेंस। अब बात आ गया कि डू कब लगता है और डज कब लगता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज लगता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, डू लगता है, ठीक। अब देखिए वह गाना नहीं गाती है, लड़की है, शी, वह इंग्लिश, शी, सब्जेक्ट हमको पहले लगाना है शी। अब देखिए सी हमेशा किसमें आएगा, सिंगुलर नंबर में आएगा ना, सी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, क्या लगेगा, डज, ठीक। अब क्या लगाना है, नॉट, अब क्या लगाना, वर्ब, गाना, सिंग, क्या गाती है, गाना मतलब सॉन्ग, ठीक। आया, जैसे हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते हैं, हम खाना नहीं खाते, ये भी निगेटिव सेंटेंस, कैसे पता चला, क्योंकि नहीं शब्द आ गया है ना, रूल हमको क्या लगाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वी, ठीक, वी, वी हमेशा हमारा किसमें आता है, प्लूरल में आता है, अभी को हमने बताया सब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या लगेगा, डू, वी डू नॉट, वर्ब क्या है, ईट, ईट फूड, क्या हो गया हमारा, वी डू नॉट ईट फूड, हम खाना नहीं खाते हैं। अब देखिए फिर देखिए, राधा
कपड़ा नहीं धुलती है, नहीं धुलती है, राधा कपड़ा नहीं धुलती है। ये भी हमारे कैसे सेंटेंस है, निगेटिव। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें नहीं शब्द आ गया। आप देखिए, सब्जेक्ट हमको पहले लगाना, सब्जेक्ट क्या है, राधा, राधा। अब देखिए, नाम हमेशा हमारा किसमें आता है, सिंगुलर नंबर में आता है, तो हमको क्या लगाना है, सिंगुलर नंबर के साथ डज लगाना है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, डज। ठीक, अब क्या लगाना है, नॉट। अब हमको लगाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन धुलना, वॉश। क्या धुलती है, कपड़ा, क्लॉथ। आया सबको, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबको समझ में आ गया। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, इरेज कर दें, हो गया सबका। अब डालिए सब लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या डालेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डालिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या डालना हमको, अब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस चलेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य हमारे जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। ठीक, दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है, यस नो टाइप होता है। क्या होता है, यस नो टाइप सेंटेंस। क्या होते हैं, यस नो टाइप सेंटेंस। ठीक, आप देखिए, यस नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, जो हमारे हिंदी में क्या से शुरू हो। दूसरा हमारा क्या होता है, डब्ल्यू एच एंड एच डब्ल्यू टाइप सेंटेंस। क्या होते हैं, डब्ल्यू एच एंड एच डब्ल्यू टाइप सेंटेंस। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, यस नो को पढ़ेंगे। यस नो टाइप सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू हो और इंग्लिश में किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। हम लोग इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं ना, किसको पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पढ़ रहे हैं। इससे पहले की वीडियो को हमारे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें इसकी आगे की बातें बताई गई है। अब हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं सेकेंड पार्ट को। ठीक है, यस नो हमारे वह सेंटेंस होते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू हो और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा होता है डू एंड डज होता है। ठीक, क्या होता है, डू एंड डज। डू हमारा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है, डज हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब हमारा जैसे, इसी से हमारा इंग्लिश में शुरू होगा, जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या वह पढ़ता है। क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी होता है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव की पहचान होती है। अब देखिए, हिंदी में किससे शुरू हुआ, क्या से, कैसा सेंटेंस हो गया, यस नो हो गया, यस नो के पॉजिटिव हो गया, यस नो में भी तो निगेटिव बनेगा। जैसे क्या वह नहीं पढ़ता है, क्या वह नहीं पढ़ता है, ये भी हमारे यस नो है, लेकिन ये यस नो का निगेटिव है और ये यस नो का पॉजिटिव है। रूल क्या हो जाएगा हमारा इसका, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाएंगे, डू एंड डज। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब, लास्ट में फुल स्टार्ट। ये क्या है, रूल है हमारा, किसका, यस नो का, पॉजिटिव का रूल हमारा। क्या है, हेल्पिंग वर्ब डू डज, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। अब देखिए, क्या वह पढ़ता है, हिंदी में क्या शुरू होगा और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। अब देखिए, क्या वह सिंगुलर है, तुम लोग क्या लगाएंगे, डज। अब क्या लगाना हमको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, ही। अब क्या लगाना, वर्ब मीन्स रीड। ठीक, ये हमारा किससे शुरू हो गया, हेल्पिंग वर्ब से। इंग्लिश में किससे शुरू हो गया, हेल्पिंग वर्ब से, और हिंदी में किससे शुरू हो गया, क्या से। ये हो गया हमारा रूल फर्स्ट, यस नो का रूल फर्स्ट। अब देखिए, यस नो का रूल सेकंड देखिए। ठीक, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, लास्ट में ता है, ती है, ते है, आएंगे। अब क्या लगेगा, नॉट। फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड थर्ड वर्ब, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डज नॉट ही रीड। आया सब कुछ समझ में? आप देखिए ये हमारे कैसे हो गए, यस नो टाइप सेंटेंस। यस नो टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, जो हिंदी में क्या से शुरू और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू, हेल्पिंग वर्ब से इंग्लिश में किससे शुरू हो, हेल्पिंग वर्ब से। अगर ये दूसरा टेंस रहेगा तो अपने हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसीलिए ये डू डज से स्टार्ट है। ठीक, अब देखिए हमारा क्या है डब्ल्यू एच एस डब्ल्यू टाइप सेंटेंस। ये क्या होते हैं, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए। प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, जैसे वेन, कब, वेयर हो गए हमारे, हु हो गए हमारे, विच हो गए हमारे, व्हाट हो गए हमारे, हाउ मेनी हो गए, हाउ मच हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं डब्ल्यू एच एस डब्ल्यू टाइप सेंटेंस में इसका यूज होता है, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। जैसे राधा क्या खाती है, राधा क्या खाती है ना, क्वेश्चनिंग वर्ड कहाँ आ गया, बीच में, तो ये कैसे सेंटेंस हो गया डब्ल्यू एच एस डब्ल्यू टाइप आ गया। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाते हैं तब ये कैसा वाक्य हो जाता है डब्ल्यू एच एस डब्ल्यू टाइप सेंटेंस हो जाता है। रूल फर्स्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, रूल फर्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड में डू एंड डज। ठीक, फिर क्या लग जाएगा वर्ब, फिर क्या लग जाएगा हमारा सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्या हमारे रूल है, जैसे राधा क्या करती, क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, अब क्या लगा ना हेल्पिंग वर्ड, क्या लगेगा राधा सिंगुलर नंबर है इसीलिए व्हाट डज, अब क्या लगेगा सब्जेक्ट, राधा खाती है ईट, वर्ब लगा लेना, ये हो गया हमारा व्हाट डज राधा ईट, क्या हो गया हमारा व्हाट डज राधा ईट्स। अब देखिए रूल सेकंड इसका, ये पॉजिटिव हो गया, रूल सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड क्या, डू एंड डज। ठीक, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे हमारा अगर यही सेंटेंस रहे, राधा क्या नहीं खाती है, राधा क्या नहीं खाती है, क्या नहीं